हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय योर लाइफ फैमिली में। इस वीडियो में बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के सेकंड सेमीफाइनल मैच की, जो है वेस्ट इंडीज वुमेन्स वर्सेज न्यूजीलैंड वुमेन। दोस्तों, अगर आप इस मैच में लगाने वाले हैं टीम तो आपके मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे। क्या पिछले मैच की तरह क्यू जोसेफ इस मैच में भी कर पाएंगे हिटिंग, बना पाएंगे एक डिसेंट स्कोर? क्या पिछले मैच की तरह राम हेरक के ओवर होंगे कट और यहाँ पे मिल जाएंगे डॉटन को? पिछले मैच में आपने देखा राम हेरक जो मेन स्पिनर है उन्होंने डाला सिर्फ एक ओवर और डॉटन लेके गए 3 ओवर, तो क्या वैसा दोबारा होगा? साथ में दोनों ही टीम से मिल जाएंगी आपको ऐसी ऐसी ट्रम्प कार्ड पिक जो ना सिर्फ आपको स्वान लीग में क्लीन स्वीप कराएंगी बल्कि जिता सकती हैं वो 1 करोड़ वाली ग्रैंड लीग भी। बस शर्त एक ही है, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वीडियो पूरा देखेंगे तो अपनी खुद की बहुत सारे विनिंग टीम्स तो बना पाएंगे, लेकिन यार हमारी टीम्स तो हम देते हैं फ्री में हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंजॉय योर लाइफ फैमिली में, और इसकी विनिंग जो होती है ना वो आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर वाले कमेंट में। आपको दोनों जगह इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाइए जाकर ज्वाइन कीजिए और खुद देखिए यहाँ पे कैसी विनिंग होती है और आप जिस ग्रुप में ऑलरेडी हैं जिनकी टीम से खेल रहे हैं वहां पे आपका कितना नुकसान हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। और दोस्तों, ये जाता है एक तरफा न्यूजीलैंड की तरफ। 22 में से 17 मैच जीते हैं, सिर्फ 5 मैच जीते हैं वेस्ट इंडीज ने, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम उलट फेर करने में तो यार माहिर है, चाहे वो मेल्स की टीम हो चाहे वो फीमेल्स की। ये हमने पिछले मैच में भी देखा जब वेस्ट इंडीज ने हराया इंग्लैंड वुमेन की टीम को, जो एक दावेदार थी वर्ल्ड कप की टाइटल की भी, उनको हरा के बाहर किया। लेकिन यार ये मैदान जो है ना ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया। अगर दुबई में ही ये मैच होता ना सेकंड सेमीफाइनल, या इनको सेमीफाइनल 1 खेलने को मिल जाता जो दुबई में है, तो वेस्ट इंडीज की टीम शायद एक बार फिर करामात कर सकती थी। लेकिन यहाँ शारजा में ना थोड़ा सा जो इनको सूट हुई दुबई के बीच वो बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे मिलने वाली है, तो बहुत मुश्किल होगा इनके लिए इस मैच में भी। अगर आप जानना चाहते हैं आपको लगता है कौन सी टीम विन करेगी, तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड के विनिंग के चांसेस यहाँ पे अबव 90% ही रहेंगे, बिलो 10% रहेंगे वेस्ट इंडीज के चांसेस। फॉर्म देखने की जरूरत नहीं है, दोनों ही टीम ने अपने जो 4-4 लीग स्टेज के मैच खेले हैं उसमें सिर्फ एक हारा है, 3-3 मैच विन करके आई है। वेस्ट इंडीज ने एक बड़ी टीम को हराया इंग्लैंड को अपने ग्रुप स्टेज में, और अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की तो उसने भी इंडिया को हराया, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। बात करें एवरेज स्कोर की तो 117 या 119 के आसपास का रहा है इस ग्राउंड पे, तो बहुत कम ही माना जाएगा। हाई स्कोर जो बना वो 151 का और 69 का लोएस्ट स्कोर। यहाँ पे 14 में से 8 मैच जो हुए वो डिफेंड हो गए, 6 मैच ही चेज हुए। यहाँ पे ज्यादातर टीम टॉस जीतती है तो पहले बैटिंग करना ही पसंद करती है। ये है नॉकआउट मैच सेमीफाइनल 2, तो यहाँ पे भी जब बड़े मैच होते हैं तो वहां पे भी टीम्स पहले बैटिंग करना पसंद करती है, तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे आपको जो टीम टॉस जीतेगी उसी को एडवांटेज रहेगा और वो पहले बैटिंग करती हुई दिखाई देगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस मैच में हुए लास्ट 3 मैचेस की। इस ग्राउंड पे जो लास्ट 3 मैच हुए हैं उसमें लेटेस्ट जो हुआ वो हुआ अक्टूबर 13 को, स्कॉटलैंड 109 ही बना पाया 6 विकेट पे, इंग्लैंड ने 113 बनाए बिना कोई विकेट खोए और एक तरफा मैच जीत लिया। पहली इनिंग में विकेट गिरे, 3-3 स्पिनर्स और पेसर्स को मिले। उसके बाद जो मैच हुआ उससे पहले सेम डे वो ऑस्ट्रेलिया वुमन 151 बना दिया था। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आप जानते हैं और इंडिया में भी काफी अच्छा चेस किया था, 142 तक पहुंच गई थी। यहाँ पे स्पिनर्स को मिले टोटल 7 और पेसर्स को मिले टोटल 6 विकेट। और उससे पहले जो मैच हुआ वहां बांग्लादेश ने 103 बनाया 8 विकेट पे और वेस्ट इंडीज चेस किया 104 2 पे। यहाँ पे स्पिनर्स ने बाजी मारी 8 विकेट और पेसर्स को मिले सिर्फ 1 विकेट। नॉर्मली इस ग्राउंड में स्पिनर्स का ही बोलबाला रह रहा है, स्पिनर ही विकेट ज्यादा निकाल रहे हैं, ये आप इन 3 मैच के रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं। सिर्फ 10 विकेट मिले पेसर्स को और 18 विकेट मिले स्पिनर्स को, तो आपकी टीम में भर भर के कौन होना चाहिए? स्पिनर्स होने चाहिए और वो बैट्समैन होने चाहिए जो स्लो डबल पेस पिच पे भी बैटिंग कर सके। वो कौन है वो मैं सब आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकते हैं। देखिए, लास्ट मैच में इनकी एक्सपीरियंस बल्लेबाज एस टेलर अवेलेबल नहीं थे निगल की वजह से, वो फिट होंगे तो वापस आ जाएंगे। उनके बदले खिलाया था सी नेशन को और ओपन करा दिया था क्यू जोसेफ से, लेकिन क्यू जोसेफ ने किया कमाल, लगाई हाफ सेंचुरी जबरदस्त अटैकिंग तरीके से, तो हो सकता है इनके साथ ही ओपन जाए। यहाँ पे अगर एस टेलर आ भी जाएंगे टीम में सी नेशन के बदले खेलते हुए दिख जाएंगे, तो हो सकता है उनको 1 डाउन खिलाते हुए दिखाई दें और फिर कैंपबेल जो है उनको डिमोट कर दिया जाए, तो ये चेंज यहाँ पे टीम कर सकती है। इसके अलावा कोई और चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया फिट होंगी तो सी नेशन के बदले टीम में आ जाएंगी हेली मैथ्यूज के साथ। मोस्ट प्रोबेबली क्वाना जोसेफ ही एक बार फिर करेंगी ओपन, फिर आएंगी अगर टेलर फिट होंगी तो टेलर 1 डाउन आ सकती है, वरना कैंपबेल ही आएंगी। फिर डॉटन, सी हेनरी, एलिन, जायडा जेम्स, ए फ्लेचर, के राम हेरक और ए मुंसियार। दोस्तों, ये चीज आपने देख ली। इसके अलावा मैंने आपको बोला, देखिए जोसेफ रन बना पाएंगे या नहीं, डॉटन कितनी गेंदबाजी करेंगे, राम हरे कितनी गेंदबाजी करेंगे, तो वो मैं आपको आपको आगे सिंगल सिंगल प्लेयर साइड से बता दूंगा। यहाँ पे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंडर क्यू जोसेफ ही है जो मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में भी ओपन करेंगे। बाद में लोअर मिड ऑर्डर में जेम्स जो है वो भी लेफ्ट हैंडर ही है,
तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और साथ में अगर आप बात करेंगे तो डेथ बॉलिंग की बात की जाए तो एच मैथ्यूज करती हुई दिखाई देंगे और के राम हेरिक करती हुई दिखाई देंगे। के राम हेरिक इस मैच में कितनी बॉलिंग करेंगे इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि लास्ट जो चार मैच खेले इस वर्ल्ड कप में अभी तक वेस्ट इंडीज ने, उसमें से एकमात्र मैच जो शारजा में खेला गया था उसमें राम हेरिक ने लिए थे पूरे 4 विकेट। तो यहाँ पे राम हेरिक पूरे ओवर डालेंगे, आपको पेसर्स के ओवर यहाँ पे कट होते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है डॉटन जो है वो यहाँ पे 1 या 2 ओवर ही करें, उससे ज्यादा ना करें, और बाकी पेसर्स के भी ओवर कट करके मिल जाएंगे राम हेरिक को पूरे ओवर। तो यहाँ पे एच मैथ्यूज करेंगे ओपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, कैप्टनसी की भी बेस्ट पिक रहती है। पिछले मैच में 50 रन मारे, 2 विकेट निकाले, हमारे कैप्टन थी। पहले अगर ये टीम गेंदबाजी करती है तो ये डेथ में गेंदबाजी करते हैं उस केस में आपको बहुत ज्यादा पॉइंट दे सकती हैं। अगर पहले इस टीम की बैटिंग आती है बाद में गेंदबाजी तो उस केस में हो सकता है उतने पॉइंट ना दें। तो पहले बॉलिंग आती है तब ये कैप्टनसी की सबसे सेफ पिक हो जाएंगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो 25 का एवरेज है, साथ में 10 मैच में 10 विकेट है, तो रिकॉर्ड जबरदस्त है इनका। फिर आती है क्यू जोसेफ, अब इनका क्या करना है? देखिए पिछले मैच में जबरदस्त इनिंग खेली लेकिन इस मैच में मुझे लगता है उतनी अच्छी इनिंग नहीं खेल पाएंगे। एक तो शारजा की पिच बहुत ज्यादा स्लो है, वहां पे इनका वो लप्पे वाली बैटिंग जो है ना जो बिल्कुल लतेड़ के मार रही थी वो नहीं हो पाएगी। और दूसरा सामने वाली टीम की गेंदबाजी जो है वो बेटर है पिछले मैच से, हालांकि इंग्लैंड की गेंदबाजी भी बहुत अच्छी थी लेकिन उनको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड प्लेयर सामने आ गया था, वो इनकी मेरे को लगता है तैयारी ही नहीं करके आए थे। लेकिन जिस तरीके से खेल रहे थे उन्होंने गेंदबाजी भी इनके खिलाफ बहुत ज्यादा नॉर्मल की, इनको बिल्कुल जहां पे गेंद ये शॉट मार रही थी वहीं पे इनको गेंदबाजी की जा रही थी, तो इनको काफी फायदा मिला। अब इनको काफी स्टडी करके आएगी न्यूजीलैंड की टीम, तो ये मेरे को लगता है उतना अच्छा नहीं कर पाएंगी। हाँ अगर स्पिन बॉलिंग में, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और यहां पे शारजा में स्पिनर्स की जरूरत पड़ती है, तो अगर इनको 1-2 ओवर मिल गए और उससे विकेट ले गई तो वो काम आपके लिए हो सकता है, तो जीएल में जरूर यूज कीजिएगा। उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है। बात करते हैं एस कैम्बेल की, विकेट कीपर सेक्शन में और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है इसलिए इनको आपको लेना ही पड़ेगा। डॉटन की बात की जाए तो देखिए मेरे को लगता है 3 ओवर तो नहीं डालेंगी इस मैच में और हो सकता है विकेट भी ना मिले, लेकिन 1 से 2 ओवर डाल सकती हैं और बैटिंग तो अच्छी कर ही रही है, तो आपके लिए टीम में एक सेफ पिक रहेगी। आपकी टीम में आप रखेंगे तो सेफ रहेगी, और अगर जीएल में इनको करना चाहें आप सीवीसी तो कर सकते हैं, जीएल में एक अच्छी पिक हो सकती है। हेड टू हेड रिकॉर्ड 7 मैच में 27 की एवरेज से रन और 5 विकेट। फिर आती हैं सी हेनरी, उतनी अच्छी पिक नहीं रहेगी लेकिन जीएल में आपको जरूर यूज करना है क्योंकि बैटिंग बैकअप देती हैं और 2 से 3 ओवर बॉलिंग करते हुए आपको दिखाई दे सकती हैं। 3 मैच में 47 रन इस टीम के खिलाफ और 3 विकेट है, रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है सामने टीम में के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में जो अभी फिलहाल फॉर्म दिखाई है इनकी उसके हिसाब से बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो स्मॉलिंग में थोड़ा रिस्की पिक ही रहेंगी। एलिन की बात की जाए तो देखिए पहले गेंदबाजी करती है टीम, तो उस केस में आप इनको ट्राई कर सकते हैं वरना आराम से इग्नोर कर सकते हैं। 5 मैच में 85 रन और कोई विकेट नहीं, ये है हेड टू हेड रिकॉर्ड। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सी नेशन की, खेलती भी है तो इनको तो एक आध जीएल टीम में भी मत ट्राई कीजिएगा, उतनिया खराब परफॉर्मेंस इनका रहा है। फिर आती हैं जेम्स, इनको एक आध जीएल टीम में जरूर ट्राई कर सकते हैं आप, ये यहाँ पे विकेट निकाल सकती हैं। हेड टू हेड नहीं है रिकॉर्ड, लेकिन अगर बात की जाए 16 मैच में तो एक ही विकेट है और 12 के एवरेज रन है। जेम्स को स्टार्टिंग के 2 ओवर दिए जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन उस टाइम पे अगर विकेट मिल जाए तो मिल जाए, उसके बाद बॉलिंग नहीं दी जाती, तो एक आध जीएल टीम में ही ट्राई कीजिएगा। फ्लेचर की बात की जाए तो फ्लेचर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जो मैच इस ग्राउंड पे खेला था इस टीम ने उसमें 2 विकेट इन्होंने निकाले थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड है 8 मैच 8 विकेट। राम हेरिक का रिकॉर्ड हेड टू हेड बहुत खराब दिखेगा आपको, 5 मैच में 2 ही विकेट, लेकिन इस ग्राउंड पे इन्होंने 4 विकेट निकाले थे जो मैच हुआ था उसके अंदर, और यहाँ पे भी विकेट निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बताया यहाँ पे इनको मोस्टली पूरे ओवर करते हुए आप देखेंगे और हो सकता है डेथ बॉलिंग भी करें, तो आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। मुनिसार को एक आध जीएल टीम में ही ट्राई कीजिएगा, यहाँ से कौन खेलता सकता है दिखता है। एस टेलर अगर फिट होंगे तो खेलते हुए दिखेंगे और आपकी टीम में एक इंपॉर्टेंट पिक भी रहेगी, आपको अपनी टीम में लेना चाहिए, अच्छी फॉर्म दिखाई है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में चेंजेस की, तो देखिए कोई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे पिछले मैच में जोनास को लेकर आए थे, अगर कास्परेक को इनके बदले खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं, कास्परेक एक बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन है तो उनके साथ भी ये जा सकते हैं। हालांकि ये 2-3 ऑफ गेंदबाजी को ऑप्शन को नहीं खिलाना चाहते, इसलिए उन्होंने कास्परेक को ड्रॉप करके जोनास को टीम में लेकर आए थे, क्योंकि ऑफ ब्रेक गेंदबाज इनके पास कार्सन जो है वो ऑलरेडी है, तो जोनास के साथ ही बने हुए आपको दिख सकते हैं। हालांकि अगर मेरे को लगता है कास्परेक खेलेंगे तो ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन रहेगी। फिर बात करें बैटिंग ऑर्डर का तो बोइट्स का तो ओपन करती हैं प्लाइमर, फिर आती हैं ये केयर, सोफी डिवाइन, बी हेलिडे, मैडी ग्रीन, आई गेज, फ्रांजोनस, रोजमेरी मायर, एलिटाहू और इडन कार्सन। तो सो यही रहेगी प्लेइंग 11 जो चेंज हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे हेलिडे के अलावा कोई और लेफ्ट हैंडर दिखाई आपको नहीं देगा। और बात की जाए यहाँ से डेथ बॉलिंग की तो वो आपको केयर करती हुई दिखाई देती है, कन्फर्म रहता है। इसके अलावा देखते हैं ये लोग कि पिच पे अगर हेल्प होगी पेसर्स के लिए तो टाहू वो करेंगी, जैसे इस ग्राउंड पे पेसर्स के लिए हेल्प शायद ना हो तो फिर यहाँ पे डिपेंड करता है मायर का या टाहू से किसी एक से करा सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही हेल्प नहीं होगी पेसर्स के लिए तो हो सकता है ये कार्सन के साथ भी चले जाएं, ये भी ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सिंगल प्लेयर स्टैट्स की, सुजी बेट्स देखिए एक ठीक ठाक पिक रहेगी आपके लिए, हालांकि पिच स्लो है तो बहुत बड़ी पारी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक अच्छी बैट्समैन है, एक्सपीरियंस्ड है,
हेड टू हेड एवरेज जो है 25 का है, स्वेन्यू पे 5 मैच में 40 रन बनाए हैं, स्वेन्यू पे अच्छा किया है तो आपकी टीम में होंगे तो आप सेफ रहेगी। स्पेशली अगर ये टीम चेस करती है तो बहुत अच्छी पिक हो जाएंगे, क्योंकि उस केस में हो सकता है ये टीम जो होगी वो बहुत कम सामने वाली टीम को स्कोर पे आउट करे और जो ओपनर्स हैं वही रन बना के चले जाए, तो बेट्स अच्छी पिक होंगी। और प्लाइमर को भी एक रिस्की ट्रम्प कार्ड पिक आपने चेजिंग में ही यूज करना है, पहले बैटिंग करते हुए ज्यादा रिस्की हो जाएगी, उस केस में सिर्फ जीएल में ही ट्राई करना है। 8 का एवरेज है सिर्फ इस टीम के खिलाफ, वेन्यू पे 29 का एवरेज, 2 में 57 रन। फिर आती है केयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक आपकी टीम में होनी चाहिए, मजबूत टीम की प्लेयर है, ऑलराउंडर है, वन डाउन बैटिंग करती है, पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करती है, पहले गेंदबाजी होने पर डेथ गेंदबाजी भी करती है, तो अगर ये टीम पहले गेंदबाजी करती है ना उसके इसमें वेस्ट इंडीज शायद थोड़े छोटे स्कोर पे आउट हो, तो वहां पे केयर आपकी कैप्टन हो सकती है, एच मैथ्यूज को आज वीसी कर सकते हैं। अगर वेस्ट इंडीज पहले गेंदबाजी करे तो उसके इसमें आप रिस्क लेके मैथ्यूज को कैप्टन और केयर को वाइस कैप्टन कर सकते हैं, इस तरीके से आप खेल सकते हैं। हालांकि मजबूत टीम की विकेट कैप्टन है, ऑलराउंडर है, तो केयर ही आपको ज्यादा पॉइंट मोस्टली देंगे, तो केयर को सीख लीजिए, मैथ्यूज को भी सीख लीजिए, वही आपको मेरे को लगता है ज्यादा पॉइंट देके जाएगा। 5 मैच में 98 रन इस टीम के खिलाफ और 5 विकेट, वेन्यू पे 4 मैच में 63 रन और 8 विकेट, तो वेन्यू पे तो कमाल किया ही है। फिर आती है एस डिवाइन, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी, बैटिंग फॉर्म जबरदस्त है, गेंदबाजी करने के चांसेस कम ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे पेसर्स की गेंदबाजी बहुत ज्यादा यूज नहीं की जाती है। 12 मैच में 18 का एवरेज है इस टीम के खिलाफ, साथ में 16 विकेट है, तो 16 विकेट तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बैटिंग से पॉइंट मिल सकते हैं। हाँ, अगर ये टीम चेज करे तो उस केस में अगर आप सारे बॉलर्स को कवर करें और आपकी टीम में जगह नहीं बन रही तो आप रिस्क लेकर डिवाइन को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्क ही रहेगा याद रखिए, क्योंकि स्लो पिच है, अगर वहां सामने वाली टीम ने 100 भी बना दिया तो उसमें भी डिवाइन की बैटिंग आ सकती है, और अगर एक आधा ओवर बॉलिंग करके करने आ गए तो ये विकेट टेकिंग बॉलर है, तब विकेट जरूर लेके जाती है, तो आपकी टीम में रहेंगी तो आप सेफ रहेंगी। वेन्यू पे 137 रन बनाए हैं 5 मैच में और 1 विकेट लिया है। हेलिडे की बात की जाए तो एका जीएल टीम में ट्राई कीजिएगा, मैडी रेन को भी एका जीएल टीम में ट्राई कीजिएगा, गेज को मैंने बताया आपको मजबूत टीम की विकेट कीपर है, तो अगर ये टीम पहले गेंदबाजी करती है तो आप कैंपबेल के ऊपर गेज को ट्राई कर सकते हैं, गेज आपको विकेट कीपिंग से उतने पॉइंट दे सकते हैं जितने शायद कैंपबेल जो है वो बैटिंग से ना दे, और कैंपबेल विकेट कीपिंग से उस केस में शायद बहुत ज्यादा पॉइंट ना दे। अगर वेस्ट इंडीज ने 120-125 का स्कोर कर दिया तो उस केस में फिर वो अच्छी पिक हो जाएंगी, क्योंकि उस केस में इनके भी विकेट अच्छे खासे गिर सकते हैं। बात करते हैं जोनास की, तो देखिए जोनास यहाँ पे एक मजबूत टीम की गेंदबाज है इसलिए अच्छी पिक रहेंगी, स्पेशली अगर ये टीम पहले बैटिंग बाद में गेंदबाजी करती है तब भी और पहले गेंदबाजी करती है तब भी, दोनों ही केस में आपकी टीम में होनी चाहिए। उतनी ज्यादा विकेट टेकिंग नहीं है लेकिन क्योंकि मजबूत टीम की गेंदबाज है और स्पिनर है, इस मैदान पर स्पिनर्स अच्छा करते ही है तो अच्छा कर सकती है। 5 मैच में 7 विकेट है हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 मैच 0 विकेट। फिर आती है मायर, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, हालांकि इस ग्राउंड में बहुत सारा मूवमेंट जो इनको मिल रहा है वो शायद ना मिले लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट है, मायर आपकी टीम में रहेंगी तो आप सेफ रहेंगे। हालांकि जीएल की क्वेश्चन से आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, हो सकता है इस मैच में एक ही विकेट लें, बहुत ज्यादा विकेट ना लें। टाहू का भी सेम केस है क्योंकि पेसर है तो हो सकता है एक ही विकेट लें, लेकिन स्मॉल लीग में आपको अपनी टीम में रखना है, जीएल में आप एक टीम में ड्रॉप इनको कर सकते हैं। 7 मैच में 4 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे सिर्फ 3 मैच में 1 विकेट। फिर आती है कार्सन, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, स्पिनर है इस मैच में, विकेट टेकिंग स्पिनर है और सामने वाली टीम कमजोर है और ये शारजा में मैच है तो स्पिनर अच्छा करेंगे ही, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट है, हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है इनका। यहां से कास्पेक अगर खेलती है तो हेड टू हेड 5 मैच 10 विकेट आप देख सकते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड शानदार है। वेन्यू पे भी 3 मैच में 4 विकेट, T20 रेशियो का रिकॉर्ड देखिए, 51 मैचेस 79 विकेट, तो बहुत ही विकेट टेकिंग गेंदबाज है, सिर्फ ऑफ ब्रेक गेंदबाज है शायद इसलिए इनको मौका नहीं मिल रहा है, 100% फिट शायद नहीं है इसलिए मौका नहीं मिल रहा है। अगर खेलती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी, आपकी टीम में होनी चाहिए, उसके अलावा कोई इतनी अच्छी पिक यहाँ पे दिखाई आपको नहीं देगी। बात करें कुछ मैचअप्स की, हिली मैथ्यूज, बात करें आप जोनास के सामने, 33 बॉल 17 रन 2 विकेट, काफी परेशान किया है। टाहू ने 31 गेंदे 55 रन, कोई विकेट नहीं। कास्प्रेक ने 11 गेंदों में 10 रन देकर 2 बार आउट किया है, तो कास्प्रेक का ये मैचअप देख के भी हिली मैथ्यूज के सामने खिलाया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डॉटन टाहू के सामने 15 गेंदे 21 रन 1 विकेट, कास्प्रेक के सामने 19 गेंदों में 26 रन आकर 2 बार ये भी फंसी है। एलियन की बात की जाए तो जोनास की 29 गेंदे 14 रन 1 विकेट, टाहू की 10 गेंदे 19 रन कोई विकेट नहीं, कास्प्रेक को नहीं खेला है। आगे बढ़ते हैं, बेट्स फ्लेचर की 18 गेंदे 12 रन 4 बार आउट हो गई हैं, राम हेरिक के सामने 15 गेंदे 12 रन कोई विकेट नहीं, तो बेट्स को फ्लेचर आसानी से आउट करते हुए दिखाई दे रही हैं। केयर की बात की जाए तो फ्लेचर के 28 गेंदे 16 रन कोई विकेट नहीं, राम हेरिक के 27 गेंदे 36 रन कोई विकेट नहीं, दोनों को अच्छा खेला है। डिवाइन फ्लेचर की 3 गेंदे 2 रन कोई विकेट नहीं, राम हेरिक की 5 गेंदे 3 रन 1 बार आउट हो गई हैं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे स्टैट्स, चलिए बनाते हैं हमारी टीम। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं इस मैच के लिए हमारी स्मॉल लीग टेंटेटिव टीम और साथ में मैं दूंगा आपको 4 ग्रैंड लीग की टीम्स भी। और याद रखिए इस सभी टीम्स आपको फाइनल होके मिलेंगी टॉस के बाद पिच रिपोर्ट के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंजॉय योर लाइफ फैमिली में, जिसे आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी विनिंग का सफर शुरू हो जाएगा।
न सिर्फ इन वर्ल्ड कप के मैचेस की बल्कि बहुत सारे दूसरे मैचेस की विनिंग टीम्स भी आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर वाले कमेंट में। बात करें टीम की तो देखिए विकेट कीपर में कैंपबेल ही अच्छी ऑप्शन है, विकेट कीपिंग करेंगी, साथ में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती हैं तो वही अच्छी ऑप्शन रहेंगी। आई गेस आपको ट्राई करना है कैंपबेल को ड्रॉप करके जीएल के अंदर, क्योंकि गेस जो है न्यूजीलैंड की विकेट कीपर है, बेशक बैटिंग उनकी ना है बहुत ज्यादा लेकिन वो आपको विकेट कीपिंग से कहीं अच्छे पॉइंट दे सकती हैं, तो उनको आपने जीएल में जरूर यूज करना है। बैटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे सुजी बेट्स को मैंने लिया है जो मस्ट पिक रहेंगी। इसके साथ में अगर एस टेलर खेलती हैं तो मैं उनके साथ भी जरूर जाऊंगा, एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं। क्यू जोसेफ पिछले मैच में जैसे इनिंग खेली तो 71% इनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा यार, शारजाह के पिच पे मुझे नहीं लगता ये कुछ खास चल पाएंगी, और वो भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने वो अटैकिंग शॉट नहीं खेल पाएंगी। लास्ट मैच में इंग्लैंड ने इनको काफी लूज ले लिया, गेंदबाजी भी इनको एक ही लेंथ पे की जिसका फायदा उठा के ये लेफ्ट साइड में शॉट जो हमारे लैंग्वेज में कहा जाता है देसी लैंग्वेज में लपेटना, लपेट लपेट के मारते रहे, शायद वो यहाँ पे न्यूजीलैंड इनको करने नहीं देगा। हैलिडे को आपने जीएल में ट्राई करना है, प्राइमर आपके लिए एक स्मॉल लीग में भी अच्छी पिक हो सकती है, अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी और बाद में चेज करता है तो उस केस में प्राइमर आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है, पहले बैटिंग करते हुए प्राइमर को जीएल में जरूर यूज कीजिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो मैथ्यूज, केर, डॉटिन और डिवाइन चारों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि डॉटिन अब गेंदबाजी भी कर रही है, हालांकि इस शारजाह के बीच में हो सकता है उतनी गेंदबाजी करते हुए आपको दान दिखाई ना दे, लेकिन क्योंकि बॉलिंग बैकअप देती हैं साथ में बैटिंग अच्छी कर ही रही हैं लगातार, तो आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी, आपकी टीम में जरूर ये होनी चाहिए। सी हेनरी को आपने एक आज जीएल टीम में जरूर ट्राई करना है, कास्प्रिक अगर खेलेंगी तो एक मस्त पिक रहेगी, मैं अपनी टीम में उनको जरूर लूंगा, एक बहुत जबरदस्त विकेट टेकिंग गेंदबाज है जिनका पता नहीं लास्ट मैच में जोनास को उनके बदले खिलाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाली टीम में बहुत ज्यादा राइटीज थे, तो यहाँ पे ऑफ ब्रेक गेंदबाज कार्सन के अलावा दूसरा कास्प्रिक को नहीं खिलाया गया। मेरे ख्याल से तो कास्प्रिक जैसी बॉलर है उनको इवन कार्सन के ऊपर भी ये खिला सकते थे या जोनास से भी ज्यादा अच्छी गेंदबाजी वो बेशक ऑफ ब्रेक करके भी निकाल सकती थी। हालांकि यहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम में दो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, एक बल्लेबाज है और एक नीचे लोअर मिडल ऑर्डर में जेम्स जो है वो भी लेफ्ट हैंडर है, तो यहाँ पे मुझे लगता है हो सकता है कास्प्रिक को वापस से लेकर आए और लेकर आएंगे तो एक मस्त पिक रहेंगी, हमेशा विकेट निकालने का चांस उसका बना रहता है। एलिन को आप ट्राई कर सकते हैं अगर वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी करे तो। बॉलिंग के अंदर हम लेंगे फ्लेचर को, हमने लिया है ताहू को, मेयर को, कार्सन को और जोनास को भी, ये चारों जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं बॉलर्स हैं उनको हमने जरूर लेना है क्योंकि न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस इस मैच में मैंने आपको बताया ज्यादा हो सकते हैं। राम हरेक एक अच्छी पिक आपके लिए हो सकती है अगर वेस्टइंडीज पहले बैटिंग करे और बाद में गेंदबाजी करे, उस केस में आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, मैं भी अपनी नजर रखूंगा उनके ऊपर। इसके अलावा नीचे कोई इतनी अच्छी पिक नहीं रहेगी, जेम्स को एक जीएल टीम में ही ट्राई कीजिएगा, कोई भी इतनी अच्छी पिक आप नहीं दिखाई देगी। बात करें सीबीसी की तो केयर और हेरली मैथ्यूज दोनों सीबीसी की अच्छी ऑप्शन रहेंगी, दोनों में आप रिवर्स कर सकते हैं, केयर के साथ मैं सी जा रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि केयर थोड़ा सा मजबूत टीम की प्लेयर है तो यहाँ पे ज्यादा विकेट ले सकती हैं, वेस्टइंडीज की जो टीम है उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी उतनी मजबूत नहीं है, पिछले मैच में उलटफेर जरूर किया लेकिन वैसे उलटफेर रोज रोज नहीं होते, तो केयर होंगे मेरी कैप्टन और मैथ्यूज होंगे मेरे वाइस कैप्टन। यहाँ पे एक सरप्राइज कैप्टनशिप पिक अगर आपको चाहिए तो वो रहेंगी डी डॉटिन, दोस्तों ये रहेगी स्मॉल लीग टीम। चलिए अब देखते हैं ग्रैंड लीग की टीम्स, जीएल टीम नंबर वन कैंपबेल रहेंगे हमारे विकेट कीपर, बैटिंग में एस बेट्स, क्यू जोसेफ और राउंड सेक्शन में एच मैथ्यूज, डी डॉटिन, एस डिवाइन और ए केयर, बॉलिंग में ए फ्लेचर, राम हेरेक, आर मेयर और ई कार्सन, कैप्टन रहेंगी केयर और वाइस कैप्टन रहेंगी डॉटिन। जीएल टीम नंबर टू कैंपबेल विकेट कीपर, बैटिंग में बेट्स और क्यू जोसेफ, ऑलराउंड सेक्शन में एच मैथ्यूज, जी डॉटिन, एस डिवाइन, ए केयर, बॉलिंग में ए फ्लेचर, टाहू, आर मेयर और ई कार्सन, कैप्टन रहेंगे यहाँ पे मैथ्यूज, वाइस कैप्टन यहाँ पे क्यू जोसेफ के साथ गया हूँ मैं, फुल रिस्क लिया है। जीएल टीम नंबर थ्री कैंपबेल और मैडिन ग्रीन दोनों को लिया है विकेट कीपर में, बॉली बैटिंग के अंदर क्यू जोसेफ को लिया है, ऑलराउंड सेक्शन में मैथ्यूज, डी डॉटिन, डिवाइन और केयर को लिया है, और बॉलिंग के अंदर फ्लेचर, राम हेरेक, ई कार्सन और जेड जेम्स, कैप्टन रहेंगी फ्लेचर, वाइस कैप्टन रहेंगी मैथ्यूज, इसको रिवर्स भी आप कर सकते हैं। जीएल टीम नंबर फोर कैंपबेल विकेट कीपर, बैटिंग में बेट्स और प्लाइमर, ऑलराउंड सेक्शन में मैथ्यूज, डिवाइन और केयर, बॉलिंग में फ्लेचर, टाहू, आर मेयर, ई कार्सन और एफ जोनास, दोस्तों ये रहेंगी कैप्टनसी रहेंगी यहाँ पे हमारी। बॉलिंग में मायर के साथ हम जा रहे हैं, आप चाहें तो टाहू के साथ भी जा सकते हैं और डिवाइन रहेंगी यहाँ पे हमारी वीसी। तो दोस्तों ये थी सारी टेंटेटिव टीम, फाइनल होकर मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।